जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ मैं नहीं जानता दोस्तों कि इस देश की आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इस देश की पुलिस और इस देश के अर्ध सैनिक बल आखिर एक शहीद के अपमान पर कब तक खामोश रहेंगे, क्योंकि आईपीएस एसोसिएशन ने हेमंत करकरे के शहादत का अपमान का जिक्र तो किया मगर बगैर कोई नाम लिए। मगर आज बहुत जरूरी है कि हमारे देश की सेना, हमारे देश के आर्म फोर्सेस, अर्ध सैनिक बल इस पर एक कठोर कार्रवाई करें। बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं भूल पाया हूं किस तरह से साध्वी प्रज्ञा ने श्राप दिया था उन्हें, और उसके बाद जब उन्होंने अपना बयान खत्म किया था तो आसपास बैठे बीजेपी के नेताओं ने ताली बजाई थी। मगर आज मैं उससे भी बड़ा मुद्दा आपके सामने रखने वाला हूं। शहीद हेमंत करकरे का अपमान अब भी जारी है और अब और ज्यादा बढ़ गया है। इसका ग्रीन सिग्नल दिया किसने, यह मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले सुनिए साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा था। ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए, आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक सवा महीने में सूतक लगता है, जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक सवा महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। मेरे ख्याल से वो गोलियों की तड़तड़ाहट जिसने हेमंत करकरे की जान ली थी ना, उससे भी ज्यादा खौफनाक ये तालियों की गूंज है जो साध्वी प्रज्ञा के आसपास सुनाई दे रही थी। मैंने आपसे कहा था कि आखिर ग्रीन सिग्नल मिला किसका है। दोस्तों, इस ग्रीन सिग्नल को समझने के लिए, इस फरमान को समझने के लिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टाइम्स नाउ के नाम पर यह इंटरव्यू देखना पड़ेगा। मैं आपके सामने जो सवाल पूछा गया था और उसका क्या जवाब दिया गया था वो सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा गया कि आपने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो एक टेरर आरोपी हैं, आतंकवाद की आरोपी हैं, उन्हें टिकट दे दिया भोपाल से, यह विरोधाभास नहीं लगता आपको? साध्वी प्रज्ञा विभाजित करती हैं, लोगों में दोहराव पैदा करती हैं। उनकी विचारधारा हिंदू मुस्लिम विचारधारा है, यानी कि कड़वाहट। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कई बातें कही, मैं सिलसिलेवार तरीके से उनकी एक एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा और हर एक जवाब का मैं आपके सामने पोस्टमार्टम करना चाहूंगा। जी हां, पोस्टमार्टम। मैं जानता हूं पोस्टमार्टम लाश का होता है, मगर प्रधानमंत्री ने जिस तरह के तर्क दिए हैं वो वाकई शर्मनाक है। जवाब नंबर एक, जब 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तब उनके सुपुत्र ने कहा था, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तब धरती हिलती है, और उसके बाद देश में हजारों सरदारों का कत्लेआम नहीं हुआ था क्या? उसके बाद भी उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था, उसके संबंध में एक सवाल देश के न्यूट्रल मीडिया ने पूछा नहीं, जो अब पूछ रहा है। अंग्रेजी में एक शब्द है, वॉट अबाउटरी, यानी कि तुमने किया तो मैं भी करूंगा। प्रधानमंत्री, ये किस तरह का तर्क हुआ, ये किस तरह का तर्क हुआ? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ आतंकवाद की एक धारा थी, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये धारा उनके अंतर्गत लगी थी। आप इस तरह की सोच कैसे रख सकते हैं? इसके बाद प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, जिन्होंने दंगे कराए उन्हें सांसद और मंत्री बना दिया गया, उसमें से एक को अभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है।
जिन पर आरोप लगे हुए हैं, क्या कभी आपने उनसे पूछा, क्या उनसे पूछा गया एक बार फिर प्रधानमंत्री मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे? किसी को उंगली दिखा देने से आपका गुनाह कम नहीं हो जाता, यानी कि आप भी वही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं। और चूंकि आप देश के परम ज्ञाता प्रधानमंत्री हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कमलनाथ पर कौन सा आरोप लगा हुआ है, क्योंकि आपने आरोप लगाया और जाहिर से बात है जब आपने आरोप लगाया तो आपके इस आरोप में काउंटर क्वेश्चन करने की तो किसी की हिम्मत नहीं होती। तो मैं समझना चाहूंगा कि कमलनाथ पर कौन सा आरोप है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन लोगों को कोर्ट ने सजा दी उन्हें जाकर गले मिल रहे हैं, अस्पताल में जाकर मिल रहे हैं, उनको उसूलों की बात करने का हक नहीं है। इशारा यहां पर लालू प्रसाद यादव की तरफ है। अगर अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवार जमानत पर हो तो चर्चा नहीं, लेकिन भोपाल का उम्मीदवार जमानत पर हो तो यह तूफान खड़ा कर दे। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने यहां जो बात कही है इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। यह अपने आप में भारत की पॉलिसी के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है और जिन पर आतंकवाद का आरोप है उन दोनों को एक पैमाने पर रख दिया है। यह अपने आप में मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं ना वो एक पॉलिसी डिसीशन होता है। आज प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है, क्या कहा, कि अगर आप लालू से मिलने जा रहे हैं, या फिर उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तंस किया, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि सिविल केसेस में जमानत पर रिहा होना और आपराधिक आतंकवाद जैसे मामले पर जमानत पर रिहा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रधानमंत्री महोदय, आज आपने इन दोनों मामलों को एक ही मंच पर रख दिया, जिससे यह पता चलता है कि आतंकवाद के प्रति आपकी क्या कटिबद्धता है, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक बात है। उसके बाद प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि एक महिला, एक साध्वी को इस तरह से प्रताड़ित किया गया। दोस्तों, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता, और मैं आपको बताना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं साल 2015 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई, और साल 2015 में तारीख को याद रखिएगा, क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल था, और इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा का कोई भी टॉर्चर नहीं हुआ। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि नो फर्दर इंटरवेंशन ऑफ द कमीशन इज रिक्वायर्ड एंड द केस इज क्लोज्ड। किसी तरह का कोई हस्तक्षेप इस मामले में नहीं चाहिए और इस मामले को अब हम बंद कर देते हैं। तो यह बात किसी और ने नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कही जब यह बात सामने आई थी कि क्या प्रज्ञा ठाकुर को यातना दी गई थी जेल में। तो प्रधानमंत्री, मेरा आपसे सवाल, आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हिंदुत्व की बैसाखी का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि 5000 साल पुरानी जिस सभ्यता ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, ऐसी संस्कृति को आपने आतंकवादी कह दिया। यानी कि प्रधानमंत्री का कहना है कि साहब, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और विपक्षी दलों ने हिंदुओं का 5000 साल पुरानी इस सभ्यता का अपमान करके हिंदुओं का अपमान किया है। तो प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल दिसंबर में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सनातन संस्था से जुड़े 12 लोगों के खिलाफ यूएपीए, वही धारा जो कि साध्वी प्रज्ञा पर लागू है, उसके अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की थी। और इस चार्जशीट में क्या क्या कहा मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। पहली बात, इसे उन्होंने एक आतंकवादी गुट बताया, सनातन संस्था को, जो एक हिंदू संस्था है। हिंदू राष्ट्र के लिए इन्हें प्रेरणा मराठी किताब क्षत्र धर्म साधना से मिली। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि आरोपियों ने समान विचारधारा के लोगों के साथ साजिश रची ताकि आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके।
देश की एकता और अखंडता को आहत करने के लिए। और इनका मकसद क्या था, 2017 में पुणे के सनबर्न फेस्टिवल को निशाना बनाना देसी बमों, पेट्रोल बमों, बंदूकों के जरिए। अब आप बताइए, महाराष्ट्र में तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है और सनातन संस्था एक हिंदुत्ववादी संगठन है, तो यहां पर हिंदुओं को आतंकवादी कौन बता रहा है? मोदी जी, ये दोहरे मापदंड क्यों मित्रों? इसके बाद आप बार बार जिक्र करते हैं कि समझौता एक्सप्रेस में बरी हो गए और इसके जरिए हिंदुओं का अपमान हुआ। मैं आपको बता दूं कि पंचकुला की विशेष अदालत ने एनआईए की खिंचाई करते हुए क्या कहा था। पहली बात कि जांच में बहुत सारे लूपहोल्स थे, कमजोर पड़ताल हुई। दूसरी बात, सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड को भी नहीं खंगाला गया। तीसरी बात, इंदौर के जिस दर्जी ने कथित तौर पर उन सूटकेसेस के खोल से ले थे, उसके सामने आरोपियों की परेड नहीं हुई और एनआईए ने तमाम सबूतों को सामने नहीं रखा, वो भी आपके कार्यकाल के दौरान। और जब बात हिंदू आतंकवाद की हो रही है दोस्तों और मोदी जी, तो पिछली सदी का सबसे बड़ा हिंदू आतंकवादी कौन था? वो शख्स जिसने देश के राष्ट्रपिता की हत्या की, वो थी पिछली सदी की एक सबसे बड़ी आतंकवादी घटना। आपकी अपने ही बातें जो हैं, आपके दलीलों को झूठा साबित कर रहे हैं। और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी हिचक नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जाने अनजाने आपके ये बयान ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं शहीद हेमंत करकरे का अपमान करने के लिए, क्योंकि आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पक्ष में तो सामने उभर कर आए हैं, मगर शहीद हेमंत करकरे जो जिंदा नहीं है, जिसे अशोक चक्र के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उसके पक्ष में आप नहीं है। मगर हां, अपनी सियासत चमकाने के लिए 26/11 के तुरंत बाद आप उसके परिवार से जरूर मिलने गए थे। क्या कहा था याद है ना आपको? याद नहीं तो एक बार फिर याद कर लीजिए, सुनिए। मैं आया हूं, मैं आज शहीद दो जांबाज पुलिस के अफसरों के घर होकर आया हूं, श्रीमान करकरे जी के यहां, श्रीमान सालसकर जी के यहां, आमटे जी के परिवार के लोग पुणे में है, इसलिए संपर्क नहीं कर पाया हूं। मैंने आज घोषणा की है कि सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों को सम्मान राशि देने के लिए गुजरात सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपया की सम्मान राशि इन जांबाज शहीद सुरक्षा बल के जवान के परिवारजनों को देने का गुजरात सरकार ने फैसला किया है। दोस्तों, सबसे दुखद बात यह है कि प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू का असर यह हुआ है कि पूरी जो बीजेपी की आईटी सेल है, अब वो शहीद हेमंत करकरे का अपमान कर रही है। मैं आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले ये शख्स आपके सामने, जो ये कह रहा है कि एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने आतंकवादियों पर एक भी गोली नहीं चलाई। अगर वो शहीद है तो हर वो शख्स जो 26/11 को मारा गया वो शहीद है। वो तलवे चाटने वाला एक पुलिस ऑफिसर था और उसकी मौत उसके कर्म का नतीजा थी। अब देखिए मधु किश्वर कहती है कि करकरे कथित तौर पर ड्रंक था, यानी कि उसने शराब पी हुई थी जब उसे आतंकवादी हमले को लेकर फोन कॉल आया था अपने पॉलिटिकल बॉस से। वो आतंकवादियों से लड़ाई करके नहीं मरा था। यानी कि एक बार फिर हेमंत करकरे का अपमान तमाम बीजेपी समर्थक कर रहे हैं। और सिलसिलेवार तरीके से देखिए, ये देखिए, जैसे ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपना वो शर्मनाक बयान देती हैं, उसके बाद ये शख्स जिसका नाम चौकीदार आशुतोष गुप्ता है, सत्य कहा था, इसीलिए कुत्ते को आतंकी ने मारा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये दूसरा देखिए, हेमंत करकरे कोई हीरो नहीं था, वो सिर्फ आतंक का शिकार था।
गलती करने की सजा मिली, जय श्री राम जी। दोस्तों मैं समझना चाहता हूं कि आखिर कैसी विचारधारा है, आखिर कैसी विचारधारा है जो एक व्यक्ति के महिमा मंडन में अपने शहीदों का अपमान कर रही है। और मेरा सवाल इस देश की पुलिस से, इस देश की आर्म फोर्सेस से कि आप आखिर एक शहीद के अपमान में इस तरह से खामोश कैसे रह सकते हैं। मैंने आपके सामने शर्म की एक एक गाथा बयान की है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की निजी राय है और वो मानसिक उनका संतुलन बिगड़ा हुआ था इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें की। तो अगर यह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की निजी राय है तो उन्हें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने दो, आप बीजेपी की टिकट पर उन्हें भोपाल से क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं। और अगर उनका मानसिक संतुलन इस तरह से बिगड़ जाता है तो भैया आप भोपाल पर उन्हें क्यों डाल रहे हैं, भोपाल की क्या गलती है और देश की क्या गलती है, क्योंकि अगर ये चुनाव जीत गई तो ये तो संसद पहुंच जाएंगी, आतंक की एक आरोपी संसद पहुंच जाएंगी। जो इस वक्त हो रहा है दोस्तों वो निहायत ही शर्मनाक है और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी हिचक नहीं है कि खुद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का यह इंटरव्यू कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल दे रहा है शहीद हेमंत करकरे का अपमान करने के लिए। और अगर मैं आपकी ही शब्दों का इस्तेमाल करूं प्रधानमंत्री मोदी, तो जनता माफ नहीं करेगी। बोल किला आजाद है तेरे।